राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग की ओर से प्रेस वार्ता की आयोजित की गई, जिसको अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हरस हाई यादव द्वारा संबोधित किया गया। हरस हाई यादव प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में पत्रकार को बताया, आज हमारे कार्यकारिणी की मीटिंग है और मीटिंग में मैं प्रदेश कार्यकारिणी की गठन किया गया। भजन लाल कुमावत फुलेरा कामिनी गुर्जर उदयपुर प्रदेश कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया नियुक्ति दिया गया। साथ ही राजस्थान में प्रदेश स्टेट ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर ने बताया कि इस मीटिंग पर पत्रकार ने जब पूछा महिलाओं ने आपकी प्रदेश कार्यकारिणी है या नहीं, क्योंकि इस प्रोग्राम में एक या दो रह गए, अध्यक्ष जी बोला प्रदेश कार्यकारिणी में 3 महिलाओं को नियुक्त किया गया, अभी हमारे पिछड़ा वर्ग का महिलाओं ने सदस्यता ज्यादा से ज्यादा लेकर राजस्थान प्रदेश कमेटी के अन्य पिछड़ा जाति वर्ग को मजबूत करेंगे और कांग्रेस के भारत जोड़ो आंदोलन में पूरी जोश के साथ कार्य करेंगे और 2023 को चुनाव में कांग्रेस को दोबारा लाएंगे। यही आज के मीडिया के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। मेरे को उदयपुर जिला परिषद सदस्य कामिनी गुर्जर जी से मुलाकात हुआ और मुलाकात होके ओबीसी के बारे में कुछ वार्तालाप मैं किया। अभी आपको जनता को रूबरू करा रहा हूँ मैं, ये ओबीसी के लिए इन्होंने क्या करना चाहते हैं सर? ओबीसी वर्ग थोड़ा जगह एक्टिव करके हमें जागरूक करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस की तरफ ओबीसी वर्ग का चुनाव है, हमारी यही सोच है और हम चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग अभी भी वर्तमान में भी है, सीएम भी है, यहाँ के अध्यक्ष भी हमारे पीसीसी के ओबीसी वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया और हम सब ओबीसी वर्ग के लोग ज़्यादा से ज़्यादा हर वर्ग हर जाति के ओबीसी में जो आती है उनको जोड़ने का काम करेंगे और ओबीसी धन्यवाद आपको हमारे चैनल की तरफ से, धन्यवाद डब्बो गोस्वामी भीर जी का स्थान दिवस को लेकर उसका मार्ग सही जनगणना होनी चाहिए। देखो जातिगत जनगणना 2011 में पहले हुई भी थी जो भाजपा सरकार आज तक डिक्लेयर नहीं करती, और जातिगत जनगणना होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ओबीसी की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कोई कहता 50% है, कोई कहता 55%। मैं कहता हूँ अगर आज जनगणना हो जाए तो ओबीसी के लोग 65 से 70% हर प्रदेश में निवास कर रहे हैं और अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। आज ओबीसी को 21% आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया राजस्थान में, उस समय उच्च न्यायालय की सीमा थी 50% आरक्षण से ज़्यादा आरक्षण देंगे, ये सीमा टूट चुकी है। आपको भी पता है कल माननीय न्यायालय ने एक निर्णय दिया था उसमें 10% को उन्हें वैलिड माना है, हम उसका स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं भाई सभी जातियों में जो गरीब लोग उनको फ़ायदा मिले, हमारा कोई विरोध नहीं उस चीज़ से, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमें केंद्र में 27% आरक्षण दिया जा रहा है वो आरक्षण हमें राजस्थान में भी मिले, मध्य प्रदेश में भी मिले, छत्तीसगढ़ में भी मिले, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण ओबीसी को दिया जाना, जो कि 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए क्योंकि इनकी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और विसंगतियां जो पैदा की, प्रैक्टिकल में अगर देखा जाए धरातल पे ओबीसी को आरक्षण मिल नहीं रहा है। धरातल पे आप देख लीजिए कि नौकरियों में आरक्षण आपने 12.5% भूतपूर्व सैनिकों को कर दिया, जबकि भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण अलग से दिया जाता था, अब इनको कैटेगरी में डाल दिया गया। अब कैटेगरी राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां कम से कम 80% ओबीसी के लोग सेना में काम करते हैं, वो रिटायर होकर के जब नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी नौकरी लग रही है क्योंकि संशोधन हो गया ये 12.5% का। जो जवान आज बेरोजगार घूम रहा है राजस्थान में ओबीसी का, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उस जब 12.5% वो ले जाते हैं तो बाकी बचता क्या है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहते हैं हम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी उनको लेटर लिखा है कि राजस्थान में 27% आरक्षण लागू किया जाए और ये जो विसंगतियाँ आरक्षण में है इस विसंगतियों को दूर किया जाए और सर्टिफिकेट एक ही बार बने जैसे एस सी एस टी का बनता है, हमेशा हर साल भर बाद सर्टिफिकेट बना हुआ
अरे साल भर बाद सर्टिफिकेट बनाते हो आप, कोई जाति तो साल में बदल नहीं सकती, तो वो कहते हो क्रिमिनल में आ गए, तो आप इनकम टैक्स सर्टिफिकेट ले लीजिए उनसे। इनकम टैक्स सर्टिफिकेट हमेशा बनता है और रिटर्न के आधार पर इनकम सर्टिफिकेट जितने भी हमारे लोग हैं उनको जोड़ करके जो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जुड़ने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं, हम उस यात्रा के अंदर शामिल होने के लिए उसके अंदर शामिल होंगे OBC के लोग, और पूरे समय के अंदर जितने भी समय रहेगी 18-19 दिन हर जिले के अंदर जो है हमारे OBC के लोग उस भारत जोड़ो यात्रा के अंदर भी साथ रहेंगे, और OBC के प्रति OBC के अधिकारों के लिए जो भी कोई मांग होगी, जो भी कोई हमारी विसंगतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए हम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे, और हमारे जितने भी उसकी प्रकार की बात है OBC की उनको दूर करने के लिए जो है हम एक ज्ञापन दे करके जो भी हमारी मांग है उनका OBC की विसंगतियों को दूर कराने के लिए भी कार्य करेंगे। आज जो हमारे प्रेस के साथी पधारे हैं वो उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद। छोटा सा सवाल हो रहा है, आपकी लिस्ट देख रहा था मैं, हाँ सर, महिलाएं दिखाई नहीं दे रही, क्या कारण है? महिलाएं इसमें तीन तो लिए, बाकी की और लेंगे, तीन है इसमें महिलाएं भी, इसमें उपाध्यक्ष भी है, इसमें महामंत्री भी है, सेक्रेटरी भी है, और जिला के अंदर भी लेंगे, बाकी जो बच गए ना इसके अंदर लेंगे, महिलाओं की पूरी भागीदारी रखेंगे। सर मैं उदयपुर नव संकल्प शिविर फैसला लिया गया था कि 50% पद युवाओं को दिए जाएंगे, है युवाओं को, बिल्कुल है युवाओं को भी, आप चाहो तो मैं खड़ा कर दूंगा, 50 में ज़्यादा है पद युवाओं में। ठीक ठीक ठीक।